बालों पे जब हम बहुत सारे प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ बालों की केयर करना भी बहुत जरूरी होती है। अब केयर किस तरह से की जाए, बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं जो कि करवाने पड़ते हैं ताकि आपके बाल स्मूथ रहें, शाइनी रहें और उनमें जो एक चमक होती है वो बरकरार रहे। प्रोटीन ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो आपके बालों को कहना चाहिए कि सेहत देता है, खूबसूरती देता है, शाइन देता है। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे, ठीक है। जिस सेगमेंट में आपका हमारा साथ है वो है सिंगार विद रिजा। रिजा से बात तो करेंगे लेकिन पहले आपसे ये कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सेगमेंट अच्छा लगता है लाइक कीजिए और उसके साथ साथ बेल आपको इधर ही आस पास नजर आ रही है उसको भी दबा दीजिएगा। क्यों? ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। पेनलेस टीवी पे मेरे साथ यहाँ पर रिजा मौजूद है और जिस सेगमेंट में आपका हमारा साथ है वो है सिंगार विद रिजा। आज हम बात करेंगे प्रोटीन ट्रीटमेंट के हवाले से। क्या होता है प्रोटीन ट्रीटमेंट? प्रोटीन ट्रीटमेंट से एक्चुअल बालों के लिए, उन बालों के लिए बहुत अच्छा होता है जो बिल्कुल खत्म हो चुके होते हैं। खत्म से मुराद ये है जैसे बहुत ज्यादा डाई कर लिए हैं बाल, उसमें जान खत्म हो गई है। और मेन वजह ये होती है कि हम लोग जब डाइट बहुत ज़्यादा कर लेते हैं या फिर हम डाइट कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हैं, खवातीन स्पेशली डाइट बहुत करती हैं तो वो अपनी बैलेंस डाइट नहीं लेती हैं जो हमारे बालों की नरिश करती हैं। अब जब बालों को आप कुछ खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं, आपका टी भी कम हो जाएगा, आपका हीमोग्लोबिन भी कम हो सकता है, बहुत सारी वजूहत हैं, विटामिन सी की कमी से, कुछ हमारे इंग्रीडियंट्स ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है। तो जब हमारे बालों में ये चीज़ें कम हो जाती हैं तो बाल रूखे, बेजान, स्पीडेंस पड़ जाते हैं। सोने पे सहागा ये है कि फिर हम डाई कर लेते हैं, स्ट्रेकिंग कर लेते हैं, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जैसे आयरन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में ले आते हैं, उससे भी आपके बालों को जो है वो बेजान हो जाते हैं, आपका केयर बहुत ख़राब हो जाता है। मेन बहुत सारे लोगों को ये चीज़ों का इतना एहसास नहीं होता कि हमारे बालों का जो पीएच होता है वो हमारा 5 के अंदर अंदर हमारा बैलेंस रहे, यानी हमारा अल्कलाइन बैलेंस रहता है तो हमारे बालों में शाइन भी आता है, उसकी खूबसूरती में इजाफा भी होता है, बाल मजबूत रहता है, टूटता नहीं। और जब हमारा पी से लेवल थोड़ा ऊपर की जानब चला जाता है तो हमारा जो बाल जो है एसिडिटी की तरफ चला जाता है, यानी कि उस पर तेजाबियत सी आ जाती है। अच्छा, बाल बेजान हो जाते हैं, बाल जो है वो रूखे रूखे और टूटने लगते हैं, स्प्रिंकल्स आने लगते हैं, बालों का कलर जो है मुरझा जाता है। तो ये चीज़ों का ना लोग ख्याल नहीं करते, इसलिए मैं बारहा ये कहती हूँ कि जब भी आप कलर अगर कोई कर रहे हैं या स्ट्रीकिंग कर रहे हैं तो आप उसके लिहाज से, अपने बालों की कंडीशन के लिहाज से शैम्पू और कंडीशनर इस्तेमाल करें। नॉर्मल आपने डाई लिया, आप नॉर्मल शैम्पू की तरफ जा रहे हैं, यानी वो फिर एसिडिटी की तरफ चला जाता है। मैं इतनी क्लियर इसलिए बताना चाह रही हूँ कि आपको एहसास हो कि आपके बाल कितना नाजुक होता है, उसकी एहसासियत कितनी नाजुक है। जब आप बालों को अच्छी तरह उसके पीएच को बैलेंस रखते हैं, यानी कि अगर आपने डाई किया, लाजिमत सब जानते हैं कि हर चीज़ में केमिकल यूज होता है तो आपके बालों को जो है बेजान करते हैं। तो अब हमें क्या है, हमें इसको नरिश करना होता है, इसके पीएच को बैलेंस करना होता है। तो हम जितने भी कलर सेफ शैम्पूज होते हैं हम वो यूज़ करते हैं, वही कलर सेफ शैम्पूज के साथ साथ हम कंडीशनर यूज़ करते हैं। जब बाल बहुत ख़त्म होने पे आता है, टूट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर हम ये कि यही सजेस्ट करते हैं कि आप प्रोटीन ट्रीटमेंट का इस्तेमाल थोड़ा बढ़ा दें। अगर आप चाहें तो वीकली अपना प्रोटीन ट्रीटमेंट्स लेना शुरू कर दें ताकि बाल जो है, क्योंकि जितने भी स्टिकिंग वाले बाल होते हैं या डाई वाले बाल होते हैं उनकी एक ज़रूरत बन जाती है, या तो वो खुद करें या फिर आप सैलून में जाके एक आध बार ज़रूर करवाएं ताकि आप उसको देखें कि उसमें कितनी जान आती है। सही है, बिल्कुल। बाल गिर रहे हैं, हेयर फॉलिंग हो रही है, तब भी प्रोटीन ट्रीटमेंट। अच्छा, ये प्रोटीन ट्रीटमेंट्स एक जैसे नहीं होते। अच्छा, इसमें भी फर्क होता है बिल्कुल, आपके बालों की कंडीशन के लिहाज से दिया जाता है। आपके बाल अगर डाई वाले हैं तो उसके लिहाज से आपको प्रोटीन ट्रीटमेंट दिया जाएगा, आपके बाल हेयर फॉल हो रहा है तो उसके लिहाज से हेयर फॉलिंग ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। बाल बहुत ज़्यादा रूखे हैं लग रहे हैं हमें तो हम उसका जैसे केराटिन मॉइस्चर डीपली दिया जाता है वो उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसी तरह बहुत सारे वजूहात की बिना पर जो है आपके बाल जो है वो सही हो सकते हैं अगर ख़राब हो गए हैं। तो मेन चीज़ ये है कि आप सैलून जाके एक दफ़ा अपना ट्रीटमेंट लें, उससे थोड़ा सा अपनी जो भी आप ये हेयर ड्रेसर है उससे आप मशवरा कीजिए कि उसको
रेगुलर यूजेस में कौन सा प्रोटीन ट्रीटमेंट रखना है, या तो अपनी 4-5 सिटिंग्स कंप्लीट कर लें। जब आप 4-5 सिटिंग्स अपनी कंप्लीट करेंगे तो फिर आप उस बालों का कंडीशन देखिए। ये तो हमने मतलब इतने सालों से ये चीज़ कर रहे हैं और देखा है कि वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, यानी कि अगर आपका बाल थिन है तो थिकनेस पे आ जाएगा, सही वॉल्यूम बढ़ जाएगा आपका। अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा खुश्क है और ऐसे लग रहा है उड़ा उड़ा है, वो कहते हैं फ्रिजी हेयर्स, तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट प्रोटीन के जो हैं वो आपको डीप मॉइस्चर दिया जाता है तो बाल सिल्की की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत काउंट करती हैं, जो हम आम लोगों को तो नहीं पता होता। और लाजमी बात है कि अगर किसी सैलून से अगर बात की जाए तो उनको तो इन चीज़ों के बारे में इंट्रोड्यूस ही कंपनी करवा देती हैं, तो बहुत सारी मालूमात आपको वहाँ से मिल जाती हैं। तो रेगुलर बेसिस पे जो अपने ट्रीटमेंट्स लेते हैं उनके बाल वाकई ही बहुत अच्छे होते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर एक चीज़ जो मैं बात में शामिल करना चाहूँगी रेजा की, कि देखिए हम कोई भी चीज़ करवा लेते हैं अपने बालों के साथ, अब इतने सारे चीज़ें आई हुई हैं, इतने सारे प्रोसीजर्स आए हुए हैं, हमारे लिए ही आए हुए हैं, आप बिल्कुल करवाएं, लेकिन उसके बाद की जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। बाल को रूखा रखना या उसको डाई ना करना, और डाई के बाद अगर आपके बाल जो है वो फ्रिजी हो रहे हैं तो उसको ठीक ना करना, आपकी पर्सनैलिटी बहुत खराब हो रही थी। आप एक अच्छी ग्रूमिंग कर रहे हैं और आपके बाल सही नहीं है तो आपका ग्रूमिंग कोई मायने नहीं रखती, जीरो हो जाएगी ना, जीरो हो जाएगी। देखिए हर चीज़ में जरूरी, अच्छा बहुत सारी खवातीन जैसे हिजाब करती हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे अब ये हॉट वेदर है उसमें भी हॉट वेदर में आपको ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि सीबम बहुत बनता है। अब वहाँ पर आपको जो डाई नहीं भी करती उनके लिए भी मैं बात कर रही हूँ, जो डाई नहीं भी करते तो फिर आपको वो सीबम को कंट्रोल करने के लिए ऑयली हेयर्स के शैम्पूज का इस्तेमाल अपने स्कैल्प में करना होगा ताकि वो खुश्क और क्लियर रहे। जब आप अपने स्कैल्प को क्लियर रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, तो उससे भी आपके बालों की नरिश जो है वो बढ़ती जाएगी, बालों की हेयर ग्रोथ भी बढ़ती जाएगी और बाल गिरेगा नहीं। सही, हिजाब करने के बाद ये प्रॉब्लम्स ये होती है, बहुत सारे लोग नायलॉन और इस तरह के दुपट्टे से कवर कर लेते हैं, तो उसमें ये कि थोड़ा सा आप कंट्रोल कर लें, उसमें आप जब भी अपना कोई भी बैंड लगाते हैं या कोई ऐसा स्कार्फ ओढ़ते हैं तो वो आपका होना चाहिए थोड़ा सा कॉटन की तरफ, आई मीन थोड़ा जर्सी टाइप का हो या कॉटन मिक्स हो या इस तरह का हो कि उसमें नायलॉन ना हो, तो उससे बालों की कंडीशन बेहतर रहती है। कॉटन के लिए तो काफी लोग कहते हैं, बल्कि डर्मेटोलॉजिस्ट भी कहती हैं कि जी आप कॉटन का हिजाब जो है वो इस्तेमाल करें, ज्यादा करें, सिल्की पे मत जाएं। अब वो देखें ओकेजनली तो आप यूज कर सकते हैं, किसी शादी में जा रहे हैं, ब्याह में जा रहे हैं, 2-3 घंटे 4 घंटे 5, लेकिन सुबह से जो आपका रेगुलर एक हिजाब होता है उसके लिए फिर आप कंफर्टेबल मटेरियल लें, क्योंकि आपके ये जो बाल है ना यहाँ से सांस ले रहे होते हैं ऑक्सीजन अंदर, क्योंकि आपका फॉलिकल जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है। अच्छा, जब आपका सीबम बहुत ज्यादा बनता है एक्चुअल, फिर ये डैंड्रफ होती है, ये आपका क्लॉट कर देती है पूरे आपके पोर्स को आपका, क्योंकि ऑक्सीजन हमें नरिश करता है, इसलिए तो कहते हैं सुबह फ्रेश एयर में आप जाएं, बालों की नशोनुमा करें, एक्सरसाइज आप बिल्डअप करती है, एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बिल्डअप करता है आपके बालों को, तो इसी तरह जो है आपको अपनी हर चीज़ का ख्याल रखना होता है कि उसको ग्रीजी ना रखें। कुकिंग करते हैं, कुकिंग के बाद बालों में पसीना आ रहा होता है, उसको ड्राई नहीं करते, उसको आप यकीन कीजिए कि ये इतना नुकसानदेह होता है बालों के लिए, पोर्स बंद करते हैं, पोर्स क्लोज, मतलब एक लग जब आपके पोर्स आपके लॉक हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, तो वहाँ पे तो आपका अंदर सर्कुलेशन ही बंद हो जाएगा ना, ब्लड सर्कुलेशन जो हमारे फॉलिकल से लेके नीचे कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स से भी शेफ तक जाता है वो तो भी हमारा सर्कुलेशन में नहीं आएगा। ये चीज़ें वो होती है, जैसे हम समझते हैं बाल बेजान है, बाल बेजान ही अगर आप माइक्रोस्कोप में देखें इसकी लेयर से बकायदा कहाँ से खुराक आ रही है, कहाँ से खुराक जा रही है, लाजमी बात है ब्लड के थ्रू ही वो जा रही होती है। जितना आपका खुराक में आप मल्टीविटामिन्स या इस तरह का इस्तेमाल करते हैं बालों के लिए, क्यों कहते हैं जब बाल गिरने लगते हैं तो अपनी सबसे पहले डाइट का ख्याल रखें। सही बात है, हेयर ग्रोइंग कैप्सूल्स आते हैं, विटामिन के, किसी डॉक्टर से या डर्मेटोलॉजिस्ट से आप उसमें उनसे बात करें, उनसे अपनी ये बालों के बारे में जरूर ख्याल रखा करेंगे, बाल गिर रहे हैं, बाल ये, या फिर देखिए उसकी वजूहत क्या है, क्योंकि बहुत हद तक जो है सैलून वाले भी आपकी हेल्प कर देते हैं, वो आपको गाइड कर देते हैं, अब आपका बाल इस कंडीशन का है तो आप इस तरह करें। अगर कोई नहीं सुनता तो आप यकीन कीजिए वाकई ही कुछ अर्से बाद खुद एक्सेप्ट इस बात को करते हैं कि हाँ आपने जब उस वक्त मशवरा दिया था हमने एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, इसकी एग्जांपल बड़ी आसान सी आप लोगों के समझाने के लिए, आप लोग किचन में खाना बनाते हैं, सामने कोई खिड़की होती है ना जहाँ से धुआं निकल रहा होता है, उस खिड़की पे हम क्या करते हैं, कोई जाली लगा देते हैं, कोई नेट लगा देते हैं ताकि वहां से मक्खी या मच्छर या इस तरह की चीजें ना आ सके।
कुछ अरसे बाद, हफ्ते दो हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि उसमें एक लेयर जमना शुरू हो जाती है। अजीब ग्रीसी सी लेयर जम जाती है। अब वो ग्रीसी सी लेयर क्या करती है, हवा को क्रॉस होने से रोक रही होती है, तो किचन गर्म हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह हमारी बॉडी का हाल है। इसी तरह जैसे नेट लगी होती है, इसी तरह आपके बालों में पोर्स, अगर आप देखें तो जगह जगह छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जब आप बंद हो जाएंगे तो आपके बालों की क्या कंडीशन होगी, ये तो हमें सबको मालूम है, लेकिन हम क्या है, इग्नोर करते हैं, लापरवाही। देखिए मसरूफियात किसको नहीं है आजकल के दौर में, सब मसरूफ हैं, लेकिन अगर आप अपनी मसरूफियात में से एक घंटा अपने ऊपर तवज्जो दे लेंगे तो आपकी बहुत सारे मसाइल जो है दूर हो जाएंगे। एक्सटेंसिव का, अब जैसे हमने रिबॉन्डिंग या एक्सटेंसिव या कोई कैरेटिन वगैरह करवाया तो उसके भी ट्रीटमेंट्स अलग होते हैं, उनके मास्क जो है वो अलग है। मास्क जितना भी आप अच्छा प्रोडक्ट्स लेते हैं, यानी कि अपने जिस कंपनी का आप यूज़ करते हैं, आप उनसे पूछिए आपने मेरी कौन सी कंपनी यूज़ की है रिबॉन्डिंग में या कुछ, उसी के लिहाज से आप उसी कंपनी का प्रोटीन मास्क यूज़ कीजिए। सही हो, उससे बाल आपके नरिश करते रहेंगे, बेहतर बल्कि और ज़्यादा अच्छा होता जाएगा रिजल्ट। तो यही वजूहत हैं कि हम लोग इग्नोर जब करते हैं तो चीज़ें फिर हमारे साथ ब्लंडर्स होते हैं, तो फिर कहते हैं पार्लर्स में ये गलत कर दिया, ये हो गया। तो ऐसा नहीं होता, बालों के लहाज से हर चीज़ का इस्तेमाल होता है। अच्छा रीजा, यहाँ पे ये भी बताइए ना, जिस तरह से एक्सटेंसो करा लिया या रिलैक्सिंग करवा ली या आपने कोई भी ट्रीटमेंट लिया है, आप प्रोटीन ट्रीटमेंट कितने अरसे के बाद उनको सजेस्ट करती हैं कि एक रेगुलर, एक रूटीन भी होता है ना कि जी आपने ये ट्रीटमेंट करा लिया, अब दो महीने बाद तीन महीने बाद आपको आके कराना। वैसे तो नॉर्मली अगर वो मास्क और शैम्पूस वगैरह वही जो हम लिख के देते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, सीरम्स वगैरह, तो फिर तो आप महीने में एक बार भी ले लें तो कोई मसला नहीं है। बहुत, क्योंकि वो ऑलरेडी वो यूज़ कर रहे हैं, मास्क तो वो यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, तो वो उनका, और कुछ इसमें ऐसे कैरेटिन्स वगैरह मतलब ऐसे होते हैं कि वो आपको रिपेयर कर रहे होते हैं, वो ऑलरेडी रिपेयर कर रहे होते हैं, आपके बालों को स्मूथ रखते हैं, शाइनिंग रखते हैं, और इस तरह उनके साथ इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। प्रॉब्लम्स होती जो लोग बहुत डाई करते हैं। आप यकीन कीजिए कुछ लोग आते हैं, जैसे अभी उन्होंने, अभी मेरे पास कुछ लोग आए हुए थे, उन्होंने बहुत ब्लॉन्डर से कलर थे उनके, फिर उन्होंने डार्क करवा लिया। अब डार्क करने के बाद फिर एक हफ्ते बाद आया कि हमें तो वही ब्लॉन्डर कलर चाहिए। तो इस तरह जो इतनी जल्दी जल्दी जंप लगाते हैं ना, वो फिर आपके बालों को खराब करते हैं, क्योंकि अभी एक केमिकल निकला नहीं है, दूसरा खराब नहीं है। अब लाजिम बात है कि जब लाइटर पे जाते हैं तो उसके, अगर हम डायरेक्ट लिफ्टिंग पे भी जाए तो उसके डेवलपर्स जो होते हैं वो थोड़े से वॉल्यूम 30 वाला हो जाता है, फिर लाजी बात है कि वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। वैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारा डेवलपर का जो हिस्सा है वो कम से कम रखा जाए ताकि बालों को ज़्यादा नुकसान ना हो। और डाई, अब मैं ये कह दूँ कि नहीं डाई करें, डाई बालों को नुकसान नहीं देता, ऐसे नहीं होता। बाल बहुत अरसे बाद जाके आपको ये होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन अगर आप डाई के साथ साथ अपने बालों की कंडीशन का ख्याल रखते हैं, जैसे मैंने कहा प्रोटीन ट्रीटमेंट्स लेते हैं, हेयर फॉलिंग ट्रीटमेंट्स लेते हैं, जो आप, जो आपके बालों की नीड है, तो फिर इतना आपको प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन ये है कि हमेशा ये चीज़ का ख्याल है कि अब जैसे स्ट्रीकिंग है, अब स्ट्रीकिंग आपने ले लिया, अब स्ट्रीकिंग बहुत अच्छी है, दिन ब दिन वो खिलती है, बहुत अच्छी लगती है, जैसे जैसे वॉश होते हैं फिर चमक आती रहती है, लेकिन एक वक्त आता है कि वो भी रूखी हो जाते हैं। तो उसके लिहाज से आप ब्लॉन्डर या बहुत ज़्यादा जो है आप ग्लॉसी ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। वो ट्रीटमेंट ग्लॉसी जो होते हैं, वो एक्चुअल जो होते हैं, वो आपकी स्ट्रीकिंग वाले बालों के लिए होते हैं। सही, जब उनमें डलनेस आ जाती है तो वो कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो उसको रिफ्रेश कर देते हैं, तो उसको वो ग्लॉसी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे उस ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। और इसी तरह अगर हम जैसे पर्मिंग के करते हैं लोग, अब पर्मिंग के बालों में क्योंकि लाजी बात है वो भी ऑलरेडी केमिकल होता है, स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है। अच्छा, एक ऐसा केमिकल है जो हर एक चीज़ में इस्तेमाल होता है, जिससे बालों का जो है ये पर्मिंग में भी इस्तेमाल होगा, स्ट्रीकिंग के उसके कंडीशंस में भी इस्तेमाल हो रहा था, उसके प्रोडक्ट्स में भी, इसी तरह जो है दूसरी चीज़ों में भी वो इस्तेमाल। तो जब हम बार बार ये चीज़ों के एप्लीकेशंस करते हैं तो इसके बाद जो हमारा डैमेज होना शुरू हो जाता है। अब हमको उसको बैलेंस करने के लिए उसको लो करते हैं तो हम अच्छी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे जो एसिडिटी की तरफ जो बाल जा रहा है वो ना जा सके। सही। अच्छा, अक्सर शैम्पू जो कलर शैम्पूज होते हैं उस पर लिखा होता है 4 point something, जैसे आप किसी कंपनी के शैम्पू को ले रहे हैं तो वो डेट मीन्स हमें नहीं समझ आती कि वो क्या चीज़ है। वो
वो आपकी बेसिक बता रहा होता है कि उसकी रेशियो को कि मतलब एसिड की तरफ नहीं जा रहा, यानी 5 के लेवल के नीचे नीचे आ रहा है आपका, तो वो आपके लिए सेफ होता है। वो आपको फिर शाइन भी देगा, आपको नरिश भी करेगा आपके बालों की, और उसके कलर को सेफ भी करेगा। सही। अब देखिए, इस जो सेगमेंट हमारा है सिंघार विद रिचा, इसमें आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इतनी सारी चीजें आपको बताई जाती हैं कि आप घर बैठ के भी अगर कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं तो आपको उसकी भी नॉलेज दी जा रही होती है। बात इतनी सी होती है कि हम कहते हैं कि अगर अवेयरनेस क्रिएट की जाती है तो काफी सारी चीजें जो है बेहतर हो जाती हैं, लेकिन इसके बाद भी आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। जब आपके हाथों से चीजें बाहर होती हैं तो फिर वो एक्सपर्ट ही होता है जो आपको सही करके देता है, आपके सिंघार को बेहतर करता है। क्योंकि असल चीज जो होती है वो ये होती है कि बालों को बचाना है। ये बाल ही तो हमारी शख्सियत का हिस्सा है। बिल्कुल, बाल आपके खूबसूरती में इजाफा करते हैं। बाल बेशक थोड़े से नजर आ रहे हैं ना कि मीडिया में हर बंदे ने कलर किया। अब जब घर में हम लोग बैठ के प्रोग्राम देखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा जो है वो अच्छे लगते हैं, हम उसके डीपली उसमें नहीं जाते हैं। हम वो देखते हैं, आप फौरन जाते हैं, कहते हैं हमें ये कलर चाहिए, हमें ये कलर अच्छा लग रहा है। लाजी बात है, उसमें कट डाउन भी होते हैं डायरेक्ट लिफ्टिंग में कलर, क्योंकि इतने ज़्यादा नहीं उठते तो कट डाउन भी मस्ट हो जाता है। अब जब कट डाउन लगता है तो लाजी बात है वो, अब ब्लीच काउंसलर तो आपको मालूम है ना, वो आप बेशक कितने ही कम लेवल से आप कट डाउन कर लें, लेकिन बहरहाल ब्लीच का आंसर तो होता है। लेकिन जैसे अब यंगस्टर आती हैं तो हम लोग अवॉइड करते हैं कट डाउन वगैरह से ना, डायरेक्ट लिफ्टिंग पे जाते हैं, यानी कलर को डायरेक्ट लिफ्ट करते हैं ताकि इनको कट डाउन की आदत ना पड़े। उससे फिर भी शाइन आपका बरकरार रहता है, बाल ज़्यादा डैमेज नहीं होता। लेकिन उसके साथ साथ जो उसकी केयर होती है वो करनी बहुत जरूरी है। अगर आप केयर भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे तो बाल तो फिर डैमेज होंगे ही होंगे। रिचा, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत। इतनी सारी बातें इतने देखने वालों के लिए करती हूँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि जो मेरे भी बहुत कस्टमर्स हैं माशाल्लाह से, क्लाइंट्स हैं, तो वो भी इस प्रोग्राम के तवज्जो से बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनको भी पता हो सकता है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स एक्सटेंस हो गया, उन्होंने कहा अल्लाह हमें तो इतनी मालूमात ही नहीं थी आप। मैंने कहा मालूमात तो हमेशा बताते हैं, आप लोगों ने ख्याल नहीं किया। अब जब प्रोग्राम चलता है तो उनको बहुत सारी चीजें कॉल आ जाती है ना कि ये सारी चीजें बताई थी। रिचा, पेज बताइएगा। स्टेप इन ब्यूटी पार्लर के नाम से पेज है, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर सिंघार विद रिचा का सेगमेंट एंड हो रहा है। शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।